उत्तराखंड से एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसे देखेंगे तो ठंड से सिहर जाएंगे, वीडियो देखकर सोच में पड़ जाएंगे, दिमाग की सभी धाराएं खुद ब खुद जम जाएंगी। यकीन नहीं होगा, जुबान पर बस यही बात आई, अरे कोई ऐसा भला कैसे कर सकता है। उत्तराखंड का दूसरा नाम देवभूमि, देवभूमि यानी इस प्रदेश के धरती पर मौजूद हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा मान्यता वाले ज्यादातर धार्मिक स्थल मौजूद है। उत्तराखंड में ही विख्यात चार धाम मौजूद है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, धाराली, सुखी, हर्षाली क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण यहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। यहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, तापमान 0 से नीचे माइनस में है और एक बाबा अर्धनग्न शरीर में तप कर रहा है। प्रकृति अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर रही है और ये बाबा हठ योग में लीन है। बर्फबारी हो रही है, हाड़ मास को कपकपाने वाली तेज हवाएं पूरी तरह से बाबा को डराने का भरसक प्रयास कर रही है। एक तरह से इस बाबा के अंदर की भक्ति की पूरी परीक्षा ले रही है, बाबा को अपनी प्रतिज्ञा से डिगाने का भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन इस बाबा की जिद ऐसी है कि अपने चारों ओर फैली भीषण ठंड को उसकी आंख से जला रहे हैं। विश्वास की ऐसी सर्वोच्चता शायद ही कहीं देखी होगी आपने, ऐसी आस्था आम इंसानों में तो नहीं हो सकती है, ये तो एक योगी के अंदर ही हो सकता है जो इस बाबा के अंदर है। बाबा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो यमुनोत्री धाम से वायरल हुआ। यहाँ 11,000 फीट की ऊंचाई पर हाड़ कपा देने वाली ठंड में एक बाबा साधना कर रहे हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यमुनोत्री धाम और करीब 1 किलोमीटर दूर कालांदी पर्वत श्रृंखला के त्रिवेणी घाट पर जमी बर्फ इसकी आस्था से चमक रहा है। कहा जाता है कि यहाँ दिन में अभी -6 डिग्री तापमान है और रात में -60 डिग्री तापमान हो जाता है। ऐसी भीषण स्थिति में ये बाबा अर्धनग्न होकर साधना करता ही जा रहा है। इसी दौरान किसी शख्स ने इस बाबा का वीडियो बना लिया, इनकी आस्था के तेज से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए वायरल कर दिया। ये यमुनोत्री धाम के बगल में एक हनुमान मंदिर है, इसी हनुमान मंदिर में रहता है। देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद यमुनोत्री धाम धरती से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। खास बात यह है कि अगर कोई चार धाम की यात्रा करना चाहता है तो उसे इसकी शुरुआत यमुनोत्री धाम से ही करनी होती है। माँ यमुना का मंदिर विशेष आस्था का प्रतीक है। शास्त्रों में इस धाम को माँ यमुना का निवास स्थान कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक यहाँ यमुना की शुरुआत होती है और आगे विस्तार होता जाता है। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में विशाल स्तंभ स्थापित है, इसे दिव्य शिला कहा जाता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालु जानकी चट्टी तक वाहन से पहुँच सकते हैं, जिसके बाद मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर के प्रांगण तक पहुँचते हैं। ऋषिकेश से यमुनोत्री 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। माता यमुना के मंदिर को टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने बनवाया था। हर साल दीपावली के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर को दर्शनों के लिए खोला जाता है।